हमारा अमित भूला पिठाई लगाने काम कर रहे हैं। पैसे तो दे पैसे तेन देने थाली भर दे साथ में 10-10 रुपए देने में सब पिठाई लगाना बाद पैसे मिलने साथियों नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी लोगों का पहाड़ी मंच ब्रेकिंग है में आपके अपने पंकज मुजाल के साथ। तो साथियों आज जात्रे के ये लास्ट नाइट है और आज कार रात्रो बोल रहे हैं तो मतलब पूरी रात भर आज यंचन है तो शानदार यहाँ पे जो भी आज का मंचन होगा आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ पर अभी पूजा चल रही है, देखिए ढोल धमों की आवाज़ आप लोग सुन सकते हो, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोग्राम जो भी है वो भी आप लोगों से ब्लॉग के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूँ और रात का ये आज आखिरी कार्यक्रम मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चलते अब सीधे कार्यक्रम की तरफ मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। आप लोग वहाँ देखिए कुछ प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ सभी भाई लोग बैठे हैं, भाई लोगों थोड़ा मारो धरे हसदा सभी लोग मजे ले रहे हैं, सर्दी में बैठे हैं। जय जी भाई, थोड़ा हाथ खड़ा कर दिया सब जी। तो देखिए भाई लोगों हेलो अर्चना, तो देख सकते हैं आप लोग सभी लोग सर्दी में बैठे हैं और कुछ आगे भी है वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे चाची और मौसा जी लगातार जो भी यहाँ पे दान राशि है वो लिखने का काम कर रहे, तो काफी जिम्मेदारी वाला काम देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है लगातार पैसे मौसम में कब देता कुछ। तो यहाँ पे शानदार आग भी चली है और आग का मजा साथ में लिया जा रहा और हमारे भैजी भी है। भैजी कैसे लग रहा है यहाँ, ठीक ठाक? चलो सुंदर चल रहा है प्रोग्राम। तो यहाँ पे अभी बस ढोल देखिए गर्म हो रहे हैं साथ में और कुछ आग का मजा भी ले रहा है क्योंकि अभी शाम को थोड़ा बारिश हुई थी और मौसम अभी बिल्कुल साफ हो गया जैसे पांडव नृत्य हमारे यहाँ शुरू होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और हमारे अनु भाई, हेलो अनु भाई। तो बस अभी शुरुआती प्रोग्राम सभी लोग बैठे यहाँ पे, हमारे पंच पंडो आप लोगों को दिखाई देंगे यहाँ पे और मामा जी भी है, मामा जी हेलो। तो पांडव भी हमारे, चाची भी हमारे, भैजी भी हमारे, तो लगातार आप लोगों को दिखा रहा हूँ, चाची लोग भी है और जब तक आज का प्रोग्राम शुरू होता तब तक मिलाता हूँ थोड़ा। हेलो 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 हेलो, देखिए कैसे खुश हो जाते हैं जैसे कैमरे पे आता हूँ आप भी। और इसके बाद जो भी आज का कार्यक्रम शुरू होगा देखिए पांडव चल पड़े। और पीछे पीछे हनुमान जी साथ में, पांडव कृष्ण जी आप लोगों को दिखेंगे, युधिष्ठिर नकुल सहदेव हनुमान जी, तो सारे पात्र यहाँ पे पांडव होंगे। और अभी इस तरीके से शुरुआत हो चुकी है आज की शाम की और एक तरफ चल रहा है डांस गाना पांडव नृत्य और दूसरी तरफ दूसरी टीम हमारी बैठी है, हमारे सभी भाई लोग चाचा लोग सभी लोग आग के बिल्कुल नजदीक देख सकते हैं आप लोग। तो कोई आग सन तापड़ा या मुंह कोई वक्त सन ओहो बिंगो भाई।
Thank you.
कार्यक्रम जो भी है खत्म हो चुका है तो सब लोग सभी लोग घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय बाय, गुड नाइट मौसी, गुड नाइट, शुभ रात्रि के साथ। इस तरीके से जो आज का कार्यक्रम था आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऐरावत हाथी वाला जो सीन था वो आप लोगों ने देखा। उसके बाद अंत में अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को पांडव राजगद्दी देते हैं, उसके बाद वो खुद बैकुंठ को प्रस्थान कर देते हैं और उसके बाद राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। उसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। तो ये पूरी महाभारत की कहानी और ये पांडवों का वंश, तो इससे यही सीख मिलती है हमें कि हमें हमेशा सत्य की राह पे चलना है, हमेशा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और जरूर देर हो सकती है लेकिन भगवान ही घर देर है लेकिन अंधेर नहीं कहते ना, तो अगर हमें अपने अच्छे काम हम करते जा रहे तो जरूर देर लगेगी लेकिन हमें उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो हमें बस क्रम करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है, यही तो हमें भगवद गीता सिखाती है, श्री कृष्ण भगवान जी के उपदेश सिखाते हैं। और ये भी बताते कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता निवास करते, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए है। तो साथियों बस यही, और बस लास्ट में इस श्लोक के साथ यदा यदा धर्मस्य अग्रणी भवति भारतम् अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यम्, इन्हीं शब्दों के साथ। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव, एवं शांति शांति शांति। तो इन्हीं श्लोकों के साथ अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ और जल्द मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभरात्रि, टाटा, बाय बाय।